कृष्णा दोस्तों, कुल जिंदगी ब्लॉग 24 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उनकी सेवा हम पूरे मन से करें। मगर कभी कभी हमसे अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती है जिससे हमें बाद में बहुत दुख होता है। हम नहीं समझ पाते कि हमारी गलतियां क्या है, हमें ऐसा क्या हम कर रहे हैं। दोस्तों, आप सबके पास अगर लड्डू गोपाल है और आप दूसरा लड्डू गोपाल लाने के बारे में सोच रहे हैं तो भूल से भी कुछ गलतियां ना करें, उन बातों का हमेशा ख्याल रखें। जब भी लड्डू गोपाल आप लेके आए, पहले अपने मन में ये तय कर ले कि हम दूसरे लड्डू गोपाल लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और हम उनकी सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि आजकल देखा देखी सब लोग लड्डू गोपाल लेके आ रहे हैं, छोटा है तो बड़ा लेके आ रहे हैं, फिर बड़ा है तो उससे बड़ा लेके आ रहे हैं, मगर हम फिर बाद में उसकी सेवा नहीं कर पाते और अनजाने में बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती है। इन सभी गलतियों से बचने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर हम सेवा करने के लिए समर्थ हैं तब तो हम नए लड्डू गोपाल को लाएँ, नहीं तो उन्हीं लड्डू गोपाल को बहुत सारा प्यार दें और बहुत सारा ख्याल रखें। और दूसरा लड्डू गोपाल अगर हम ला रहे हैं तो उनके लिए जगह देखनी बहुत ज़रूरी है कि हम उनको अच्छे से रख पा रहे हैं, उनको बराबर आराम दे पा रहे हैं कि नहीं, हमारे घर में इतना जगह है कि नहीं, जितना बड़ा हम लड्डू गोपाल ला रहे हैं उतना उनको अच्छे से हम रख पाएंगे कि नहीं, सभी बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और लड्डू गोपाल लाने से पहले हमको अपने मनोदशा को सोचना होगा, क्या हम दो लड्डू गोपाल या तीन लड्डू गोपाल की सेवा पूरे मन से कर सकते हैं, क्या हम इतना सामर्थ्य हैं कि हम एक से अधिक लड्डू गोपाल को उतनी सुविधाएं दे सकते हैं कि नहीं। ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तभी दूसरे लड्डू गोपाल के लाने के बारे में सोचना चाहिए। आप एक से अधिक लड्डू गोपाल रख सकते हैं मगर तब जब आप उसको उतनी ही सेवा दे सके जितना और लड्डू गोपाल को दे रहे हो। एक को प्यार करेंगे और दूसरे को उतना ध्यान नहीं रख पाएंगे तो यह अपमानजनक बात होगी। आप सबको बराबर प्यार देना होगा आपको। हम इन सभी बातों का ख्याल रखें और प्यार से लड्डू गोपाल की सेवा करें। भगवान आप सबके जीवन में बहुत सारा खुशियाँ लेके आए। मेरी सारी दुआएँ आप सभी के साथ। मेरा ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना। जय श्री कृष्णा।